गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, जनवरी का मौसम आ चुका है और जनवरी के साथ ट्रांसफर विंडो जो है वो खुल चुकी है। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, इस ट्रांसफर विंडो में उतना हमको बौखाल देखने को नहीं मिला। बड़े बड़े प्लेयर्स इधर उधर जाते हुए नहीं दिखे हैं अभी तक। यंगस्टर्स का ही जो है वो डीलिंग चल रही है, बट ये कोरोना वायरस के चलते भी हो सकता है। बिल्कुल भाई, फाइनेंशियली सभी क्लब के एल लगे हुए हैं और पैसे तो है नहीं किसी को साइन करने के लिए, बट फिर भी कुछ क्लब्स में बड़े बड़े प्लेयर्स का जो है वो नाम आ रहा है। और आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, कौन ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो इधर उधर मूव करते हुए हमको दिखे हैं और दिख सकते हैं इन अपकमिंग डेज। तो सबसे पहला बात कर लिया जाए भाई साहब मूसा डेम्बेले की, टू एथलेटिको मैड्रिड। अब ये लोगों को शॉक किया क्योंकि मूसा डेम्बेले एक स्ट्राइकर है लियोन के, वो प्लेस अलॉन्ग साइड मेम्फिस डीपे। तो लियोन से मूसा डेम्बेले को एथलेटिको मैड्रिड ने लोन में ले लिया है और वहाँ पे एक ऑप्शन भी रखा गया है कि अगर इनको पसंद आता है तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि 33 मिलियन पे इसको एथलेटिको मैड्रिड जो है वो खरीद लेंगे। अब अगर हम एथलेटिको मैड्रिड के ऊपर नजर डालें तो हमको लुइस सुआरेस दिखता है, हमको वाओ फिलिक्स दिखता है, तो फिर व्हाई दे साइंड मूसा डेम्बेले? भाई साहब, इसका केवल एक ही आंसर है कि मेरे ख्याल से तुमको नहीं पता होगा और मेरे को भी नहीं पता था, एथलेटिको मैड्रिड ने डिएगो कोस्टा का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। यानी कि डिएगो कोस्टा इज नो लॉन्गर अ प्लेयर फॉर एथलेटिको मैड्रिड, और ये डिएगो कोस्टा ने खुद जाके करवाया एथलेटिको मैड्रिड से, और वो उसका रीज़न कुछ पर्सनल रीजंस हैं ऐसे मीडिया में नजर आ रहा है। सो पर्सनल रीजंस के चलते एथलेटिको मैड्रिड में डिएगो कोस्टा इज नो लॉन्गर अ प्लेयर, और उनको खोज थी एक सेकेंड स्ट्राइकर की जो लुइस सुआरेस या फिर जाओ फिलिक्स के बदले खेल सके। और उनकी फर्स्ट चॉइस मिलिक थी जो नापोली में खेलते हैं, बट वो उनसे हो नहीं पाया। इन्होंने मूसा डेम्बेले को जो है वो लोन में खरीद लिया है विद एन ऑप्शन टू बाय हिम एट 33 मिलियन यूरोस। अगर इनको मजा आया भाई साहब डेम्बेले की परफॉर्मेंस देखने में, तो बिल्कुल ये जो है वो इस क्लॉज को ट्रिगर करके 33 मिलियन में इसको खरीद लेंगे, बट अगर नहीं मजा आया तो वापस से भेज देंगे लोन में बैक टू लियोन। अब अगर मैं इसके स्टैट्स के ऊपर नजर डाल लूं तो तुमको बड़ा सा स्टैट नहीं देखने को मिलेगा। 2021 में जो है वो 16 गेम्स इसने खेल करके केवल एक ही गोल डाला है। 2019 सीजन में ऑल दो इसने जो है वो 27 गेम खेल के 16 गोल दागे हैं और 2 असिस्ट भी दिए हैं, तो हाँ वो देख करके ठीक लग रहा है। बट अब देखने वाली बात होगी हाउ वेल ही वुड बी परफॉर्मिंग इन एथलेटिको मैड्रिड। और लुइस सुआरेस और जाओ फिलिक्स तो आगे खड़े हुए हैं, तो थोड़ा कम गेम टाइम इसको देखने को मिलेगा। बट ये मैं जब सोच रहा हूँ कि एथलेटिको मैड्रिड टॉप ऑफ द टेबल है, तो फिर लग रहा है हाँ भाई ये कुछ हमको आग लगाते हुए देखने को मिल सकता है। दूसरा ट्रांसफर है भाई साहब अमाद डियालो का इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड दिस वन शॉक्ड मी, क्योंकि अगर हम डालें अमाद डियालो की एज में 18 साल का है, अगर हम डालें अमाद डियालो की एक्सपीरियंस में तो केवल 38 मिनट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 38 मिनट का ही केवल इसको जो है वो एक्सपीरियंस है फर्स्ट टीम क्वालिटी खेलने का। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पे किए हैं 37 मिलियन यूरोस टू साइन हिम फ्रॉम अटलांटा। अब ये बहुत बड़ा गैम्बल जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खेल दिया है। ये जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफाइलिक विंगर है, बहुत प्यारा पेस है, बहुत प्यारी स्किल्स है, कट इनसाइड करता है, शूट करता है, गोल मारने का मन करता है इसका, गोल मारता है, तो हाँ अच्छा प्लेयर तो है, बट स्टिल केवल 38 मिनट का जो है वो इसको एक्सपीरियंस है फर्स्ट टीम में। तो मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला गया है। 37 मिलियन किसको कहते हैं यार, और 37 मिलियन लगाना ऑन अ विंगर लाइक हिम जो केवल 18 साल का है, आई गेस भाई बहुत बड़ा गैम्बल है। वी ऑल नो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड wanted to sign a winger, जो सेंचो के पीछे पड़े हुए थे, डेम्बेले के पीछे पड़े हुए थे, दोनों नहीं हो पाए, और ये बहुत बड़ा गैम्बल इन्होंने खेल दिया है। हो सकता है भाई ये फ्यूचर मैसी निकल जाए, क्योंकि इसको लोग कह रहे हैं कि ये मैसी से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है, बट अब देखने वाली बात होगी हाउ वेल ही बी परफॉर्मिंग। बट हाँ 18 साल का है तो ऑफकोर्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी तो है उसके पास, और वो हमको दिखेगा भी यूनाइटेड में, और यूनाइटेड को एक विंगर की सख्त ज़रूरत है मेरे हिसाब से भी। और कवानी है विंगर में राइट हैंड साइड अगर ये खेलेगा और लेफ्ट हैंड साइड रैशफर्ड खेलेगा तो मजा आ जाएगा यूनाइटेड को देखने में। तो हाँ अच्छा निकल सकता है, बट मेरे ख्याल से भाई बहुत डाउट है, बहुत डाउट है, और बहुत बड़ा जो है वो गैम्बल खेल दिया यूनाइटेड ने। इसी डील के साथ ही साथ एक और डील आ रहा है, डैनियल जेम्स जो यूनाइटेड का प्लेयर है वो भी विंगर है, उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं यूनाइटेड में जैसा समझ में आ रहा है। सो लीड्स यूनाइटेड जो है वो इंटरेस्टेड है डैनियल जेम्स को लोन में लेने के लिए। अब देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं हो पाता, और लीड्स यूनाइटेड का फायर पावर में अभी थोड़ा सा कमी देखने को मिल रहा है, एंड मेरे ख्याल से उनके लिए तो अच्छा सनिंग होगा डैनियल जेम्स, और डैनियल जेम्स के लिए भी अच्छा होगा कि वो लीड्स यूनाइटेड में जाकर के थोड़े से एक्सपीरियंस को गेन कर ले, तो मजा आएगा देखने में। बट अमाद डियालो ग्रेट ग्रेट प्लेयर, डेम्बेले हाँ डेम्बेले टाइप ही है वो, पेस है, प्रोफेलिक है, स्किलफुल है, वैसे ही कट इनसाइड करता है, तो हाँ, बट स्टिल यार 40 मिलियन
18 साल 38 मिनट्स गेम प्ले, तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, बट कुछ देखा होगा यूनाइटेड वालों ने इसलिए साइन किया, नहीं तो फिर क्यों करते। बाकी प्लेयर तो अच्छा है भाई। अब बात कर लेते हैं कुछ बड़े प्लेयर्स के नाम पे जो ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ इधर उधर जाते हुए देख सकते हैं। सबसे पहला भाई ट्रांसफ़र की बात हो रही है और उपामेकानो का नाम ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो उपामेकानो जो है उसके ऊपर जो है वो बहुत सारे क्लब्स ने टारगेट नज़र बना के रखी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड रेडी है, लिवरपूल रेडी है, चेलसी भी रेडी है, बहुत सारे प्लेयर यूरोप, बहुत सारे क्लब यूरोप के रेडी हैं इसको साइन करने के लिए। सब यू नो व्यवस्था जमा रहे हैं पैसे का इधर उधर से ताकि इसको साइन कर लिया जाए। लेकिन लाइप्ज़िग ने साफ साफ कह दिया है कि ये अनट्रांसफरेबल है। अब देखते हैं होता है क्या है, क्योंकि इसकी रिलीज क्लॉज केवल और केवल 43 मिलियन यूरोज है। अब फॉर अ प्लेयर लाइक हिम जो बहुत प्यारा खेलते हुए आ रहा है यूरोप में, बहुत सारे क्लब्स का जो है वो नज़र है इसके ऊपर। मेरे ख्याल से आज के समय में जहाँ पे डिफेंडर्स के ऊपर 70-80 मिलियन जो है वो फेंके जा रहे हैं, फॉर अ प्लेयर लाइक उपामेकानो केवल 22 साल का है, बहुत प्यारा हमको खेलते हुए नजर आ रहा है, 43 मिलियन इज अ बार्गेन। मेरे ख्याल से कोई भी क्लब हो इसको साइन करना चाहती है, डिफेंडर की नीड है, 60-43 मिलियन फेंको, इसको ले आओ, इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। अमार डियालो के यू नो केस में इंस्टेंट रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, 18 साल का है, टाइम लगेगा उसको ग्रो होने में, केवल 38 मिनट का एक्सपीरियंस है बंदे को, तो टाइम लगेगा ग्रो होने में। लेकिन उपामेकानो के टाइम पे 43 मिलियन भाई साहब इंस्टेंट रिजल्ट तुमको देखने को मिलेगा। फर्स्ट टीम का प्लेयर है, बहुत प्यारा हमको देखने को ये मिल सकता है। अभी तक इसका कुछ कन्फर्म नहीं है, अभी आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेगा। लेकिन एक नज़र डालो तुम लोग लाइप्ज़िग ने कितने पैसे कमा लिए यार। टीमो वर्नर को बेचा, बहुत सारे पैसे मिले, नबी केता को बेचा, अच्छे खासे पैसे मिले, डेमे को बेचे, बहुत अच्छे खासे पैसे मिले, और अब देखो उपामेकानो को लोग बेचने की ट्राई कर रहे हैं, कोशिश जमा रहे हैं, और बहुत पैसे इनसे भी मिल जाएंगे। सो लाइप्ज़िग के पास बहुत पैसे आ गए हैं भाई, अब देखना अगले सीजन लाइप्ज़िग भी अच्छा खासा आग लगाएगी बुंडेसलीगा में। बात कर लिया जाए पोगबा के बारे में, तो पोगबा को पीएसजी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है साइन करने के लिए। पोचेटिनो को पोगबा बहुत प्यारा पसंद आ रहा है, और पोगबा को भी हो सकता है पीएसजी पसंद आए, क्योंकि पोगबा फ्रांस का है, पीएसजी फ्रांस में है, तो भाई अपने ही होम टाउन में खेलेगा और फ्रांस जैसी पीएसजी जैसी क्लब को यू नो रिप्रेजेंट करेगा, तो उसका भी ये सपना हो सकता है। बाकी भाई साहब यूनाइटेड में तो पोगबा के मैनेजर ने कुछ भी बोला है, वो बोलता है कि मेरे प्लेयर बहुत अनहैप्पी हैं यूनाइटेड में, इट स्टिंग्स हियर एट यूनाइटेड एंड स्मेल्स फ्रेश एट फ्रांस नेशनल टीम। तो अब देखो क्या होता है। बाकी रिसेंट परफॉर्मेंस में तो पोगबा बहुत अच्छा खेलते हुए दिखा है यूनाइटेड में, बट हाँ भाई साहब 150 मिलियन की रिलीज क्लॉज है इसके, 2022 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, तो पीएसजी को पैसे तो देने पड़ेंगे यूनाइटेड में, और ओह बॉय वी नो पीएसजी कैन पे वेल टू मैन यूनाइटेड साइन एनी प्लेयर। और अगर पोचेटिनो थोड़ा सा प्रेशर डालेगा कि मेरे को पोगबा चाहिए, तो पोगबा हमको पीएसजी के कलर्स में बहुत रिसेंट बहुत बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। और अच्छी बात है यार, आ जाएगा पोगबा तो मिडफील्ड स्ट्रांग हो जाएगी पीएसजी की, जो थोड़ी सी हमको कमी दिखती है, तो देखते हैं क्या होता है। बट पीएसजी यस दे आर इंटरेस्टेड इन पोगबा। बात कर लिया जाए एक बहुत ही लेजेंड प्लेयर की, तो वो है लिंगार्ड। लिंगार्ड को इंटर मिलान रेडी है साइन करने के लिए, और ये मेरे को बहुत शॉक किया था, क्योंकि अगर मैं लिंगार्ड की स्टैट्स के ऊपर नज़र डालूं, भाई साहब ये क्या करा है इस बंदे ने, केवल 2 मैचेस खेले हैं इस सीज़न में, वो भी ईएफएल के, और 19-20 में अच्छे गेम्स खेले थे इसने, 22 गेम खेले हैं, और भाई कुछ ऐसा एक ही गोल उसने मारा है, 22 गेम खेल के एक ही गोल मारा है, और ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस उसने दिया नहीं, बट इस सीज़न केवल 2 ही मैच खेले हैं। सो ऐसा समझ में आ रहा है कि इंटर मिलान इज़ रेडी टू यू नो साइन लिंगार्ड, और ऐसा कह रहे हैं कि दे वांट टू टर्न बैक हिज करियर। कितने लोगों की करियर तुम टर्न बैक करोगे, सैंचेस की करियर तो टर्न बैक हो नहीं रही है, लिंगार्ड को भी ये पालना चाहते हैं। और भाई साहब ये केवल और केवल तभी पॉसिबल होगा जब क्रिश्चियन एरिक्सन जो है वो इंटर मिलान छोड़ के जाएगा, और क्रिश्चियन एरिक्सन कहाँ जा सकता है तुम पूछो, तो सबसे पहला जो है वो पीएसजी आंसर है, क्योंकि पोचेटिनो का ही प्लेयर है एरिक्सन, और वो उसको लाना चाहता ही है, क्योंकि मिडफील्ड स्ट्रांग करनी है पीएसजी की। सो हाँ क्रिश्चियन एरिक्सन हो सकता है कि पीएसजी जाए, और फिर लिंगार्ड हमको इंटर मिलान में खेलते हुए नजर आएगा, ऑड बट ट्रू। अब अगर बात कर लिया जाए बार्सिलोना के बारे में, तो बार्सिलोना का केवल एक ही न्यूज़ ये है कि एरिक गार्सिया जो है उसको बार्सिलोना बिल्कुल नहीं खरीदने वाली है अभी जनवरी में। बार्सिलोना से उसकी सब पर्सनल टर्म्स जो है वो अग्री हो चुकी हैं, और बार्सिलोना हैज सेड कि वो एरिक गार्सिया को फॉर फ्री समर में लेके आएंगे। तो अब समर में हमको एरिक गार्सिया दिखेगा इन बार्सिलोना कलर्स, और मेरे ख्याल से अभी एरिक गार्सिया की हमको ऐसी ज़रूरत भी नहीं थी, और फालतू हो जाता 4-5 मिलियन उसको पे करना, क्योंकि बार्सिलोना की हालत बहुत ख़राब है फाइनेंशियल
चली और हमारे डिफेंडर्स अच्छा खेल रहे हैं, अरुआओ अच्छा खेल रहा है, मिंगवेजा अच्छा खेल रहा है, लॉन्गले वंस इन अ वाइल हमको देखने को मिल जाएगा, उमटीटी बहुत अच्छा खेलने लग गया है और भगवान करे आगे भी अच्छा खेले, पीके भी वापस आ जाएगा फरवरी तक। तो मेरे ख्याल से 4-5 मिलियन फोकट का एरिक गार्सिया को देने का कोई फायदा नहीं था। अगर वो फ्री में आ रहा है मार्च अप्रैल में तो फिर क्या बात है, तो फ्री में ही अपन उसको जो है वो लेंगे और ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है। सो ये थी आज की वीडियो ट्रांसफर के ऊपर। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कैसा लगा तुमको, और बाकी यू कैन बी आर मेंबर ऑफ दिस चैनल, हिट दैट ज्वाइन बटन। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो देख के चले जाते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, सब्सक्राइब कर दो, है ना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलता हूँ। जैसे अच्छे से, टेक केयर, पीस, जय हिंद।